हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ध्रुव शक्ति का तीसरा और अंतिम भाग। ओह, ये लॉकेट तो इस डायरी में बने रेखा चित्र से मेल खा रहा है। इसमें इस चर्म डायरी के लेखक जादूगर विकरियो ने अपने गले में बड़े लॉकेट को इसी प्रकार का बताया है, यानी ये विकारियों का ही कंकाल है। और अगर ये विकारियों का कंकाल है तो वह बॉक्स जरूर इसी पेटी में बंद होना चाहिए। पेटी का गल चुका ताला एक हल्की सी ठोकर से ही टूट गया और कुछ ही पलों बाद नताशा के हाथ में वह अजीबोगरीब बॉक्स था जिसमें वह शक्ति कैद थी। बॉक्स तो यही है, इसमें से बहुत तेज चमक फूट रही है। क्या यही वह शक्ति है जिसका जिक्र विकारियों ने अपनी डायरी में किया है? लेकिन इसका उपयोग किया कैसे जाएगा? खैर, ये तो बाद में सोच लूंगी। फिलहाल तो सामान मिल गया है, अब यहां से जल्दी निकल लेना चाहिए। तभी नताशा के ट्रांसमीटर के रिसीवर पर एक गंभीर आवाज गूंज उठी। निकलने की इतनी जल्दी क्या है नताशा? इतने दिनों बाद मिले हैं, हालचाल तो कम से कम बताती जाओ। ध्रुव, तो तुम यहां पर? हाँ, और अगर मैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर सेट किए गए अपने ट्रांसमीटर पर तुम्हारी आवाज ना सुनता तो शायद इस रूप में तुमको पहचान भी ना पाता। अब अगर मैं पुरातन वस्तुओं चुराने के आरोप पर तुमको गिरफ्तार करूं तो प्रतिरोध मत करना, क्योंकि ये तो तुम भी जानती होगी कि इन वस्तुओं पर सिर्फ सरकारी पुरातत्व विभाग का हक होता है। लेकिन जिन वस्तुओं पर पुरातत्व विभाग का हक है वो उनके पास पहुंच चुकी हैं और उनको ले जाने वाले मेरे आदमी भी पकड़े जा चुके हैं। दरअसल मैंने उनको ये देखने को भेजा था कि यहाँ पर जहाज डूबने की बात सच है या नहीं। मुझे तो यहाँ से सिर्फ इस वस्तु को ले जाना था और इस वस्तु पर किसी सरकार का हक हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह शक्ति पृथ्वी की है ही नहीं। बड़े विश्वास के साथ कह रही हूँ, ये तुमको कैसे पता चला? एक प्राचीन चम डायरी से जो इसी जहाज के मलबे से मुक्त होकर समुद्र के सतह पर तैरने लगी थी। लो, अगर स्पेनिश जानते हो तो तुम खुद पढ़ लो। ये एक पुर्तगाली तांत्रिक, या चाहो तो जादूगर कह लो, विकारियों द्वारा लिखी गई डायरी है। एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान जब ग्रहों की शक्तियों को सोखने के लिए उसने अपना तंत्र जाल फैलाया तो यह परग्रही शक्ति उस जाल में आ फंसी। इस शक्ति को कैद करने के लिए विकारियों ने एक स्पेशल बॉक्स का निर्माण किया। यह वही बॉक्स है, पर इस डायरी के आगे के पन्ने नहीं है। इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि विकारियों ने शक्ति को कैसे कैद किया और इससे वह क्या करना चाहता था। यह भी नहीं पता कि आखिर यह शक्ति को इस जहाज में कहां लेकर जाना चाहता था, इसलिए मुझे इस कौन रूपी बॉक्स को अपने अड्डे ले जाना पड़ेगा ताकि इस पर सही शोध की जा सके। मैं टूटी फूटी पुर्तगाली जानता हूं और जोर जोड़ कर पढ़ भी लेता हूं नताशा, लेकिन जैसे पृथ्वी पर गिरी किसी उल्का पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं हो सकता, वैसे ही इस कौन पर भी तुम्हारा इकलौता हक नहीं हो सकता। इसे मुझे सौंप दो। मैं जानती थी राजनगर तट पर काम करने से मुझे तुमसे किसी न किसी जगह पर टकराना जरूर पड़ेगा, पर वह जगह वही होगी जहां से मैंने इस ऑपरेशन की शुरुआत की। इससे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तुमको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता नताशा, इसलिए मुझे यह कौन चुपचाप सौंप दो। कभी नहीं, इसके बारे में सबसे पहले मुझे पता चला, इसलिए इस पर मेरा हक है। इस छीना झपटी में कौन का न जाने कौन सा लीवर दब गया कि उसके शीर्ष से ऊर्जा की एक लहर अंदर से आजाद होकर नताशा के शरीर में समाने लगी। चारों तरफ चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैलने लगी और जब रोशनी की वह चमक खत्म हुई तो ध्रुव की नजरों के सामने नताशा नहीं, कोई और खड़ा हुआ था। ओह, तो यही है वह शक्ति जो अंतरिक्ष से फंसाकर पृथ्वी पर लाई गई और फिर इस कोन में बंद कर दी गई। लेकिन नताशा आसपास कहीं नजर नहीं आ रही। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है और वह यह कि ऊर्जा के रूप में कोन में बंद इस प्राणी ने नताशा के शरीर पर ही कब्जा कर लिया है और अपनी शक्ति के जरिए नताशा के रूप के बजाय अपना रूप प्रक्षेपित कर रहा है। सवाल यह है कि कोन में सैकड़ों सालों तक बंद रहने के बाद यह शक्ति आजाद होकर अब आखिर करेगी क्या? अगले ही बल ध्रुव को पता चल गया कि वह परग्रही क्या करना चाहता था। ओह, यह नाच नाच कर ऊर्जा की तेज लहरें छोड़ रहा है, शायद आजाद होने की खुशी मना रहा है। लेकिन इन ऊर्जा की तरंगों से पानी का तापमान बढ़ रहा है, मछलियां तड़प कर भाग रही हैं, मुझे भी गर्मी महसूस हो रही है। अगर यह तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो बाहर बेहोशी की अवस्था में तैर रहे कोस्ट गार्डों और गोताखोर लुटेरों की भी जान पर बनाएगी। नताशा के शरीर का क्या होगा, ये तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। फिलहाल मुझे इस प्राणी को समुद्र से बाहर ले जाना पड़ेगा और इसका आसान सा तरीका है इस पर हमला करना ताकि ये क्रोधित होकर मेरे पीछे आ जाए। ध्रुव का वार लगते ही लहरों में लहराते कुछ क्रोधित शब्द उसके कानों में आ टकराए। परपंडा। और फिर जैसे ध्रुव ने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे इसने प्रचंडा चिल्लाया हो। वैसे ये नाम इस पर फिट बैठता है, अब यहां से फटाफट भागा जाए वरना यह प्राणी इस नाम को सार्थक कर देगा। ध्रुव तेजी से सतह की तरफ तैरा और प्रचंडा भी उसके पीछे तैरा। सारी शक्ति लगाकर तैर रहे ध्रुव को किनारे तक पहुंचने से पहले तो प्रचंडा नहीं पकड़ पाया।
लेकिन पानी से बाहर आते ही उसकी शक्तियां एकदम से सक्रिय हो उठी। ओह, हाँ। पानी से बाहर आते ही इसकी गति कई गुना तेज हो गई है, यानी पानी के अंदर इसकी शक्तियां छीन लेती हैं। जादूगर भिखारियों का यह बात समझ गया होगा, इसलिए वह उस कोन को कहीं समुद्र के बीच में डुबो कर रखना चाहता होगा। यही शायद उसके जहाज में जाने का कारण रहा होगा। मैं समझ रहा था कि मैं इसको पानी से बाहर खींचकर अकलमंदी कर रहा हूं, पर यह तो बेवकूफी का काम साबित हो गया, क्योंकि पानी से बाहर आती इसकी शक्तियां सक्रिय हो उठी हैं। अब इसको पानी के अंदर ले जाऊं तो कैसे? और वैसे भी पानी के अंदर जाकर ही मैं कौन सा तीर मार लूंगा, यहां पर इसे चोट पहुंचाने ज्यादा साधन है। इस टक्कर से मुझे इसे कुछ चोट तो पहुंचेगी। ध्रुव ने टक्कर तो काफी जोर से लगाई थी, लेकिन परिणाम आशा के अनुरूप नहीं निकला। आश्चर्यजनक, इसके हाथ से ऊर्जा की लहर निकलकर मुझे अपने लपेटे में ले रही है। अगले ही बल ध्रुव को उस ऊर्जा लपेटे का मतलब समझ में आ गया। एक झटके से लपेटे खोले और लट्टू की तरह नाश्ता ध्रुव का बदन दीवार से जा टकराया, और इसके साथ ही ध्रुव को प्रचंडा से निपटने का तरीका समझ में आया। यह ऊर्जा प्राणी है, इसी रूप में यह कोन में बंद था और इसी के सहारे यह वार कर रहा है। अगर इसको और ऊर्जा दी जाए तो शायद ये उस अधिकता को सह ना पाए और नताशा का शरीर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। एक बार यह नताशा के शरीर से निकल जाए तो इस पर और घातक वार भी किया जा सकता है। और इसकी अतिरिक्त ऊर्जा देने का सबसे अच्छा साधन फिलहाल ये बिजली के तार ही नजर आ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ही तो नाइलो स्टील की स्टार लाइन से प्रचंडा को बांधना होगा और फिर स्टार लाइन के दूसरे सिरों को बिजली के तारों पर फेंक देना होगा, ताकि इनका करंट प्रचंडा तक पहुंचे और प्रचंडा ध्रुव के परिणाम का अनुमान एकदम गलत ध्रुव ने परिणाम का अनुमान एकदम गलत लगाया था, क्योंकि प्रचंडा को नुकसान पहुंचाने के बजाय प्रचंडा ने ही बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा दिया। पल भर में ही तार जल कर और गल कर टूट गए और बिजली का प्रवाह आगे बढ़ना रुक गया। अब ध्रुव के जलने की बारी थी। ओह, पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया है। अगर धातु की बेल्ट इस एनर्जी ब्लास्ट का ज्यादातर ताप ना सोख लेती तो मेरे पेट का हिस्सा भी झुलस गया होता। यह वार खाने के बाद तो मेरा दिमाग भी सोच नहीं पा रहा है कि अगला वार करूं भी तो क्या। इधर सुबह के सूरज के साथ 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 चंदा के होश का भी सूरज उग रहा था। ओह, तो मुझे ध्रुव यहां लेकर आया था। हाँ चंदा, पर दो बातें मुझे समझ में नहीं आई। एक तो यह कि रात को तुम्हारे शरीर पर चोट के काफी निशान थे। तुम्हारा चेकअप मैंने लेडी डॉक्टर से करवाया था, पर इस वक्त भी निशान काफी कम हो गए। मेडिकल तौर पर ऐसा होना काफी आश्चर्यजनक है। और दूसरे, तुम्हारे माथे पर बंधी पट्टी भी मुझे उतारनी पड़ी थी किसी संभावित चोट को देखने के लिए, तो मुझे तुम्हारे माथे पर एक चीरा दिखा। पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारे माथे पर कोई तीसरी आंख है, पर यह तो असंभव है। मैंने उसे फोर्सेप से खोलने की कोशिश भी की, पर वह चीरा खुला ही नहीं। उस पर पलकों जैसे बाल भी हैं। वह आखिर है क्या? मुझे यही देखे जाने का डर था, इसलिए मैंने बेहोश होते वक्त अपनी टीम के डॉक्टर के बजाय तरुण का नाम लिया था, क्योंकि एक तो तरुण को समझाना ज्यादा आसान है और फिर इससे मेरी मुलाकात सिर्फ अभी तक है, तभी तक है जब तक मैं राजनगर में हूँ। चंदा ये नहीं जानती थी कि यह ख्याल उसके दिमाग का है, दिल का नहीं। दिल उसे एक बार फिर खींचकर तरुण के पास लाने वाला था। चंदा एक अंतरंग मित्र की तरह तरुण को दिनेश पाठक से अपनी शादी और फिर दिनेश द्वारा किए गए जुल्मों की दास्तान सुनाती चली गई। उन्होंने मुझे एक खाई में फेंक दिया, पर देवी के आशीर्वाद से मैं बच गई, और माथे का यह निशान उसी दुर्घटना की देन है। तुम बताओ, तुमने डॉक्टर बनने के बाद क्या किया? मैंने तुम्हारी बहुत तलाश की, मैंने फिर कहीं से पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। दिल तो टूट गया था, पर मैंने भी शादी करना जरूरी समझा, ताकि मेरे कुआरे रहने से ये मतलब न लगाया जाए कि मैं अब भी तुम्हारी उम्मीद लगाए हुए। शादी तो मैंने कर ली, पर शायद मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं था। राशि यानी मेरी पत्नी की बड़ी बड़ी इच्छाएं मैं पूरी नहीं कर पाया, और पिछले 2 सालों से मैं यहाँ रहता हूँ, और राशि अपनी माँ के घर मेरे 3 साल के बेटे के साथ। ओह, आई एम सॉरी तरुण। हाँ चंदा, तुम मेरे लिए सॉरी कहो और मैं तुम्हारे लिए। हम अब बस यही कर सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि तुम मुझे पूरी बात नहीं बता रही हो। तुम्हारे माथे पर एक ही अजीब सा चीरा, चोटों का जल्दी भर जाना, मुझे लग रहा है कि, खैर छोड़ो, तुमको इस चीरे के कारण हमेशा पट्टी बांधे रहना पड़ता है ना? मैं प्लास्टिक सर्जरी करके इसको ढक दूंगा, अगर तुमको ऐतराज ना हो तो। मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, इससे तो मेरी सारी समस्या ही हल हो जाएगी। चंदा की कम से कम एक समस्या तो हल हो रही थी, लेकिन ध्रुव के लिए समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी। मैं उल्टा सोच रहा था, इसे रोकने का रास्ता इसे ऊर्जा देना नहीं बल्कि इसकी ऊर्जा खींचना है, और इस बार ये काम बिजली के तार ही करेंगे।
और इस बार भी ये काम बिजली के तार ही करेंगे। लेकिन वे तार नहीं जिनमें अब तक बिजली दौड़ रही है, बल्कि वे तार जिनसे संपर्क टूट जाने के कारण विद्युत प्रवाह ठप हो गया है। अब ऊर्जा तारों से प्रचंडा की तरफ नहीं बल्कि प्रचंडा से तारों की तरफ बहेगी। इस वार का प्रचंडा पर कुछ ना कुछ असर तो जरूर होना चाहिए। ध्रुव के इस वार का कुछ नहीं बहुत कुछ असर हो रहा था। ऊर्जा का प्रवाह इतना तेजी से शुरू हो गया जैसे बांध टूटने से पानी बहना शुरू हो जाता है। इस वार से प्रचंडा इतना हड़बड़ा गया कि उसने अपना रूप वापस समेट लिया और सड़क पर गिरी रह गई निडाल और घबराई नताशा। आह ध्रुव, मुझे इस मुसीबत से बचा लो। ओह, कोई नारी मुसीबत में है, मुझ तक पुकार आ रही है। अब शक्ति चंदा की शरीर को ढक लेगी और यह बदला मैं तरुण के सामने कतई होने नहीं दे सकती। तुमको क्या हो रहा है चंदा, तुम्हारा शरीर कांप क्यों रहा है? मुझे मुझे बाथरूम जाना है तरुण, और मुझे डिस्टर्ब मत करना किसी भी कीमत पर नहीं। हतप्रभ सा तरुण चंदा को देखता रह गया, उसके भ्रम और शक दोनों ही बढ़ गए थे। लेकिन शक्ति को ना तो किसी के शक की परवाह थी और ना ही भ्रम की। उसको तो सिर्फ वहां पहुंचना था जहां पर एक नारी मदद के लिए पुकार रही थी। मैंने प्रचंडा को नताशा के शरीर से बाहर निकलते नहीं देखा, यानी वह नताशा के शरीर में ही है। इसको बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही, और वह तरीका मुझे जल्दी से जल्दी सोचना होगा। ध्रुव को तरीका सोचने का मौका ही नहीं मिल पाया। दूर हट इस स्त्री से दुष्ट, मैंने पहली बार ही तुझे जिंदा छोड़कर गलती की थी, पर इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगी। उफ, क्या मुसीबत है, तुमने मेरे पीछे पड़ने का ठेका ले लिया है क्या शक्ति? मैंने स्त्रियों की रक्षा का ठेका लिया है, और इस स्त्री को कष्ट पहुंचाने वाला तेरे सिवाय कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एक तो यह स्त्री नहीं कन्या है शक्ति, और दूसरे इसको कष्ट पहुंचाने वाला इसके शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं जो तुमको नजर आ जाए। तू अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है ध्रुव, मैं इस लड़की से ही सच पूछ लेती हूँ। शक्ति नताशा की तरफ बढ़ी और आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि प्रचंडा ने नताशा के ऊपर अपना रूप प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया था। और इससे पहले कि शक्ति यह समझ पाती कि उसको उसे किसको बचाना है, वह खुद बचाए जाने की स्थिति में स्वयं पहुंच चुकी थी। आह, इतना शक्तिशाली वार, यह शक्ति मानवीय नहीं हो सकती। लेकिन प्राणी मानवीय हो या अमानवीय, शक्ति के सामने ठहर नहीं सकता। शक्ति के हाथों ने भूमि के धातु कड़ों को पिघलाकर खींचना और पाश का रूप देना शुरू कर दिया, लेकिन लौह बंधन प्रचंडा को बांध नहीं पाए। ओह, मैं ब्रह्मांड में बोली जाने वाली हर भाषा को समझ सकती हूँ, पर यह परग्रही कह रहा है कि तुम मानवों ने मुझे मेरे एक यमिर यानी तुम्हारे 450 साल तक कैद रखा है। अब मैं तुम्हारे बंदरों में आने से पहले तुम लोगों को नष्ट कर दूंगा। प्रचंडा कुछ कुछ बोलता जा रहा था और शक्ति तेजी से इसका अनुवाद ध्रुव को बताती जा रही थी। यह कह रहा है कि यह ऊर्जा और द्रव दोनों ही रूप में रहने वाला प्राणी है, और अपने द्रव रूप के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पार नहीं जा पा रहा है। यह ऊर्जा रूप में किसी जीवित और बुद्धिमान प्राणी के शरीर में ही रह सकता है, और ऐसा शरीर पृथ्वी पर सिर्फ मानवों का ही है। परंतु यह जिस शरीर में रहेगा, तीव्र ऊर्जा के कारण वह शरीर धीरे धीरे खोखला होता जाएगा। अगर हमने इसको पृथ्वी के पार जाने का रास्ता ढूंढकर नहीं बताया, तो यह सबसे पहले इस लड़की का शरीर खोखला करेगा और फिर कई सारे मानवों का। लेकिन मैं इसको ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं पृथ्वी पर आई हूं पहले स्त्रियों और फिर मानवों की रक्षा करने के लिए। मैं देवी की शक्ति का हजारवां भाग ही हूं, लेकिन फिर भी इन जैसे दुष्टों से निपटने के लिए काफी हूं। लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं था जितना शक्ति ने सोच रखा था। टक्कर बराबर की है, शक्ति के जीतने की कोई गारंटी नहीं। यह प्रचंडा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पार जाना चाहता है, लेकिन बगैर किसी मानव शरीर में घुसे यह वहां तक नहीं पहुंच सकता। और अगर यह किसी स्पेस सूट पहने मानव के शरीर में भी घुसकर जाए, तो इसके बाहर निकलने से स्पेस सूट में जो छिद्र होगा उससे तो वो मानव फट ही जाएगा। खैर, रास्ते तो मिल सकते हैं, पर कोई लंबा तरीका सोचने का समय नहीं है। फिलहाल नताशा को भी बचाना है, इसको नताशा के शरीर से बाहर निकालना ही होगा, और उसका एक तरीका मेरी समझ में आ रहा है। वैसे भी इन दिग्गजों के बीच में मेरा क्या काम? ध्रुव तो न जाने कहां जा रहा था, पर दिग्गजों के बीच में लड़ाई जारी थी। तेरी किरणों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है, और मेरी ऊष्मा शक्ति का तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुझे पीट पीट कर ही हार मानने के लिए मजबूर कर दूंगी। प्रचंडा प्रतिरोध तो कर रहा था, लेकिन शक्ति के शक्तिशाली वार उसे एक बार फिर अपना रूप समेटने के लिए मजबूर कर रहे थे।
थोड़ी ही देर में शक्ति को इस लड़ाई के पहले चरण में सफलता मिल जाने वाली थी, लेकिन तभी शक्ति के जहन में दो चीखें एक साथ गूंज उठी, हेल्प, मदद। ओह, अमेरिका और चीन से दो स्त्रियां मदद के लिए एक साथ पुकार रही हैं। मुझे अपने दो प्रतिरूपों को उन स्थानों पर भेजना होगा, लेकिन इन दो प्रतिरूपों के निकलने से मेरी शक्ति एक तिहाई रह जाएगी, क्योंकि बाकी दोनों प्रतिरूप अपनी एक तिहाई और एक तिहाई शक्ति अपने अपने साथ ले जाएंगे, और मेरी शक्ति कम होने से यह परगरी मेरे ऊपर हावी हो सकता है, पर मैं नियमों से विवश हूं। मुक्ति ज्यादा स्त्री की सहायता के लिए मुझे जाना ही होगा। शक्ति के रूप से दो प्रतिरूप निकलकर अलग अलग दिशा में विलीन हो गए और बाजी पलट गई। उस लड़ाई का नतीजा निकलने में ज्यादा वक्त नहीं था, और वह नतीजा शक्ति के पक्ष में नहीं था, और अगर इस नतीजे को कोई पलट सकता था तो सिर्फ एक शख्स, जो इस वक्त समुद्र की गहराइयों की खाक छान रहा था। प्रचंडा को एक बार कैद किया जा चुका है जादूगर विकारियों द्वारा, लेकिन नताशा के पास जो चर्म डायरी थी उसमें दो पन्ने नहीं थे जिनमें शायद इस बात का जिक्र हो कि विकारियों ने प्रचंडा को कैद कैसे किया था, और अगर वह चर्म डायरी यहीं से तैरती हुई सागर की सतह तक गई है तो वे बाकी पन्ने भी यहीं कहीं होने चाहिए। आह, ये रहे। ऊपर मिट्टी चढ़ जाने के कारण, जम जाने के कारण पहचान में नहीं आ रहे थे। ध्रुव जोड़ जोड़ कर स्पेनिश भाषा में लिखी हुई इस इबारत को पढ़ता गया और धीरे धीरे उसके दिमाग में स्थिति साफ होती चली गई। आह, समझ गया। अब अगर शक्ति मेरा साथ दे तो नताशा को भी बचाया जा सकता है और प्रचंडा को भी कैद किया जा सकता है, पर इस समय ध्रुव को शक्ति की नहीं बल्कि शक्ति को ध्रुव की जरूरत थी, क्योंकि शक्ति प्रचंडा के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। आह, अगर ये परगरही मानव शरीर में निवास न कर रहा होता तो मैं अपनी हस्त ऊष्मा से इसको कप का गला चुकी होती, पर अब ये मुझे, ओह शक्ति, इससे हार मत मानो, इसको दबोचने की कोशिश करूं। ध्रुव को वापस घटना स्थल पर देखकर शक्ति समझ गई कि इस बार वह बगैर किसी योजना के नहीं आया है। उसने अपनी शक्ति बटोर का प्रचंडा को एक मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया, और उसी पल ध्रुव ने डूबी शिप के मलबे से लाए कोन को नताशा के शरीर से सटाकर उसकी तीन घुंडियों को बाहर खींच दिया, और जैसे सिकुड़ी फोम फैलने पर पानी सोख लेती है वैसे ही कोन ने ऊर्जा रूपी प्रचंडा को खींचकर जज्ब करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद परगरही प्रचंडा फिर से कोन में कैद था और नताशा मुक्त हो गई थी। आह, मुझे क्या हुआ था ध्रुव, मैं समुद्र के अंदर से यहाँ कैसे आ गई? अभी बताता हूँ नताशा, लेकिन पहले इस प्रचंडा को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पार पहुंचाना है, वरना ये फिर ना जाने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे। लेकिन इसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पार पहुंचाओगे कैसे? मैंने श्रीहरिकोटा स्पेस लॉन्चिंग सेंटर से संपर्क स्थापित करता हूँ। अगर निकट भविष्य में कोई रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है तो उसके हाथ से भी भेजा जा सकता है। इसकी आवश्यकता नहीं है ध्रुव, मैं इसको अंतरिक्ष में खुद छोड़ाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मैंने तुमको गलत समझा। वैसे अब मेरी बाकी शक्तियां भी वापस आकर मुझमें समा गई हैं, अब मैं वापस नहीं आऊंगी, लेकिन तुमसे मैंने ये जरूर सीखा है कि परिस्थिति समझने के बाद ही न्याय करना चाहिए। ये आश्चर्यजनक शक्तियों युक्त महिला कौन है ध्रुव? इसके मुख पर तो देवियों जैसा तेज है। यह अपने आपको देवी का अंश ही बताती है नताशा, और मुझे इसके दावे पर कोई संदेह नहीं है, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे गिरफ्तार करोगे। गिरफ्तार? पर क्यों? तुमने फिलहाल कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम अपराध का रास्ता छोड़कर वापस इस दुनिया में आ जाओ। फिलहाल ये संभव नहीं है ध्रुव, पहले मैं छल कपट और भ्रष्टाचार से युक्त इस समाज के रहने लायक बनाऊंगी, और फिर ही तुम्हारी दुनिया में वापस आ पाऊंगी। उधर प्रकाश की गति से उड़ती शक्ति ने अंतरिक्ष में पहुंचकर कोन को नष्ट कर दिया और प्रचंडा आजाद हो गया। अब मुझे भी शीघ्र अतिशीघ्र वापस जाना चाहिए, क्योंकि तरुण को चंदा पर शक नहीं होना चाहिए। बहुत समय लगाया तुमने बाथरूम में चंदा? वो तरुण में मुझे, खैर छोड़ो, अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन ये याद रखो कि एक ना एक दिन मैं ये बात जानकर ही रहूंगा कि तुमको अपना कौन सा रहस्य छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल तो चलो, तुम्हारे प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन की तैयारी करनी है। समाप्त।